नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से सबको सबके चेहरों पर मुस्कान ला दी है और उम्मीदों पर खरे उतरे हैं क्योंकि हंगजाओ एशियाई खेलों में उन्होंने भारत को एक और सोना दिलाया है। और खास बात यह है कि इस बार उनका मुकाबला अपने ही देश के किशोर जेना से रहा। किशोर जेना दूसरे नंबर पर रहकर सिल्वर मेडल जीत पाए और नीरज चोपड़ा को गोल्ड मिला। आज नीरज अपने तीनों अवसरों पर अपना प्रदर्शन सुधारते रहे। देखिए इस ग्राफिक के जरिए कि पहली कोशिश में उन्होंने जो जैवलिन फेंका, जो भाला फेंका, वो 82.38 मीटर गया और दूसरी कोशिश में इससे बेहतर करते हुए 84.49 मीटर तक पहुंचाया। और जब लगा कि किशोर जेना उनसे आगे निकल जाएंगे तो तीसरी कोशिश में 88.88 मीटर भाला फेंक कर उन्होंने सोना अपने नाम किया। उनके साथ साथ चल रहे किशोर जेना ने तीन कोशिशों में 87.54 मीटर का बेहतरीन प्रदर्शन लिया किया और उन्हें सिल्वर मेडल मिला। वैसे नीरज चोपड़ा अरसे से भारतीय उम्मीदों का भार ढो रहे हैं। उन्होंने ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स में भारत और एशिया के लिए कई कीर्तिमान बनाए हैं। इसी साल उन्होंने बुडापेस्ट में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। पहली बार किसी भारतीय या फिर एशियाई को जैवलिन थ्रो में वर्ल्ड चैंपियन होने का अवसर मिला। इसी तरह 2020 में टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा और 2018 में जकार्ता में एशियन गेम्स में उन्होंने सोना जीता था। इसी साल गोल्ड कोस्ट में कॉमनवेल्थ खेलों में भी उन्हें स्वर्ण पदक मिला। 2016 में वो वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप भी जीत चुके हैं। यानी बहुत सारे जीत, बहुत सारा गोल्ड उनके नाम है। सच ये है कि उनके जीते मेडलों की फहरिस्त इससे भी बड़ी है। अभिनव बिंद्रा के अलावा नीरज चोपड़ा अकेले भारतीय हैं जिन्हें किसी निजी स्पर्धा में ओलंपिक गोल्ड मिला है।